एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैंने अपने फेस पे लगाया है फेस पैक, और ये है चंदन और मुल्तानी मिट्टी, जिसको मैंने गुलाब जल से घोल करके अपने फेस पे पेस्ट बना करके लगाया है एज अ फेस पैक। क्योंकि गर्मियां आने लगी हैं तो कभी कभी होते हैं ना ओपन पोर्स हो जाते हैं फेस पे, तो अगर आप घर का DIY लगाना चाहते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और यहाँ पे पीहू बोल रही थी, मम्मा मेरी हेयर स्टाइल बना दो, मुझे क्लचर लगा दो, तो वही मैं इसको यहाँ पर कर रही थी। और हम लोगों का लंच हो चुका है, तो बस बाकी के लंच के बाद थोड़े छोटे मोटे जो काम होते हैं वही सब मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मैंने कल कपड़े वॉश किए थे तो वो सारे थे, उनको मुझे फोल्ड करके अभी रखना है। तो आपको दिख रहा होगा ना, थोड़े से ये कपड़े आगे ब्लू कलर का दिख रहा है, तो अभी मैं ये सब उठा करके फोल्ड करने के लिए बैठूंगी। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग के कमेंट्स आते हैं, थैंक यू सो मच। आज कुछ लोगों के कमेंट्स के मतलब नाम लेने हैं आप लोग के, आप लोग ने बोला था मेरे नाम लेने को, तो बस मैं अभी आप लोग के नाम भी ले लेती हूँ। तो आज का जो पहला नाम है कुलविंदर कौर जी का है, आज उनकी एनिवर्सरी है, मतलब 7th of March को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कुलविंदर कौर जी। और आपने मुझे अच्छा लगा आप लोग आपने बोला मुझे कि मेरा नाम लेना। तो जो आज का नेक्स्ट नाम है वो है ब्यूटी। इनकी कोई आईडी किसी और नाम से है बट मुझे इनका नाम याद हो गया है, उन्होंने मुझसे कई बार बोला था कि आप मेरा नाम लीजिएगा। तो नेक्स्ट नाम है ब्यूटी। नेक्स्ट है आपका संगीता तिवारी जी। तो आप लोग ने बोला मेरे को, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, आप लोग मेरे डेली व्लॉग्स देखती हो। फ्रेंड्स, मैंने अभी अपने फेस पे एक फेस पैक लगाया है, तो अभी वो सूख रहा है इसलिए मैं ज़्यादा आपसे बातें नहीं कर सकती हूँ, जा रही हूँ फेस को वॉश करने। मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ा सा बातें करती हूँ और ये कपड़े भी फोल्ड कर देती हूँ, तो ब्लॉग स्टार्ट किया है। चलिए फेस वॉश करके आती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मैं मिलती हूँ। अभी 4 बज रहे हैं शाम के और पीहू सो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं किचन में आई हूँ, मैंने ये दिन में जो ये होता है ना मसाले वाला डिब्बा, उसको वॉश किया था, तो अभी ये सूख चुका है, तो मैं इसमें सारे मसाले जो हैं वो भर दूँगी, जैसे कि जीरा हो गया, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर हो गया, गरम मसाला, ये सब कुछ मैं इसमें भर करके रख दूँगी, तो जब भी ज़रूरत हो आप निकाल सकते हो इजीली इसीलिए। और यहाँ कुछ इलायची, लौंग और काली मिर्च भी मैंने डाल दी है, क्योंकि वो भी मैं सब्जियों में अक्सर डालती ही रहती हूँ। और ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ साबूदाने के आज पापड़ बनाने के लिए, क्योंकि मैं होली के लिए जो जो पकवान बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आज का व्लॉग आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे इसमें वीडियो और व्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं आगे भी अच्छे अच्छे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ साबूदाने के पापड़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है। मेरे को एक नोटिफिकेशन आ रहा था मेरे स्क्रीन पे, मतलब यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं कि क्या ऐसे भी साबूदाने के पापड़ बन जाते हैं। तो बस मैंने क्या किया था, 2 घंटे पहले मैंने साबूदाना भिगो करके रख दिया था धुल करके अच्छे से, और अब मैंने लिया है यहाँ पे चूड़ियाँ। आप देख ही रहे होंगे कि मैंने इसमें ऑयल लगाया है और पानी कुकर में भर के रखा है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, बहुत थोड़ा सा ही मैं बना के ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है सही बनेगा कि नहीं बनेगा, बट वाकई ये बहुत अच्छे पापड़ बन जाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ज़्यादा भी इस तरह से बना सकते हैं, मैं तो सिर्फ ट्राई करने के लिए मैंने थोड़े से ही 8-10 पापड़ बनाए हैं बस। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये 2 दिन पहले की है, मैंने सोचा कि मैं एक एक दिन करके सारे जो भी रेसिपी बना रही हूँ, जो भी पकवान बना रही हूँ वो मैं आपको एक साथ करके दिखा देती हूँ अपने एक व्लॉग में। तो ये 2 दिन पहले का व्लॉग है, बट मैंने उसकी आगे के व्लॉग में इसको नहीं शेयर किया था, तो इसलिए इसमें करके मैं आपको एक साथ दिखा रही हूँ।
और ये है साबूदाने के पापड़ की रेसिपी। अगर आप लोग ट्राई करिएगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसे बने और कैसे लगे आपको। मुझे लगा कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूवर्स को बताऊं, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा ये रेसिपी। तो बस ये देखिए, इस तरह से फैला लेना है साबूदानों को एकदम पतली लेयर करके। और अब मैं इस थाली को रख दूँगी कुकर के ऊपर और बस ढक देंगे 5 से 6 मिनट में। क्या बढ़िया पापड़ बन जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने बढ़िया और एकदम हाइजीन पापड़ है, मतलब हाइजीनिक है। क्योंकि बाहर के जो पापड़ होते हैं आपको नहीं पता होता है कि कैसे बने हैं, क्या है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, अपने घर पे आप बना सकते हैं और बहुत बढ़िया पापड़ बनते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको गैस के ऊपर रख दिया है और गैस को तेज कर दिया है। अब मैं इसको ढक दूँगी। थोड़ी देर बाद मैंने 5-4 मिनट बाद खोल के देखा है तो थोड़ा सा कच्चा लगा मुझे, क्योंकि ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जब आपको पता चल जाएगा कि आपका पापड़ जो है वो पक गया है। तो देखिए अभी हल्का सा बाकी है ट्रांसपेरेंट होना, तो मैं फिर से इसको ढक दूंगी और फिर से 2 मिनट बाद खोलूंगी। तो बस हमारे पापड़ तैयार है। अब हमें क्या करना है, अपना एक स्पैटुला लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है, मतलब ग्रीस कर लेना है, और बस फिर उसको निकाल करके आप धूप में जहाँ भी आपको फैलाना है वहाँ फैला दीजिए। तैयार आपके गर्मा गर्म पापड़ साबूदाने के। तो ये ट्रिक से आप लोग ज़रूर एक बार बनाइएगा। तो देखा आपने कितना अच्छे तरीके से इजी बन गए हमारे साबूदाने के पापड़। बस इसको 2 दिन धूप में आप सुखा लीजिए और तैयार है पापड़। तो अब नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे मैं बना रही हूँ आज नमक पारे, जिसको कुछ लोग मटरी, कुछ लोग खुरमा बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैदा छान लिया है, इस पर मैं थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल दे रही हूँ, और मोइन के लिए मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ। आप लोग जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो अंदाजे से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और मिक्स करके अच्छे से इसको गूँथ लेना है, मतलब डो बना लेना है। और इतना मैंने ऑयल डाला है कि जब हम गूँथेंगे ना तो इसमें लड्डू बन जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊँगी, मतलब मैदे में बंधने लगेगा, इस हिसाब से मैंने मोयन डाला है। इसी तरह मेरी मम्मी बनाती थी तो मैंने देखा है उनको। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया है होली पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मोयन कम लग रहा था तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मोयन और डाला है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको गूँथ करके तैयार कर दूँगी आटा, जिसको कि मैं रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे अच्छे से रेडी हो जाएगा हमारा आटा बनाने के लिए नमक पारे। उसके बाद आप शेप जो चाहें आप वो दे सकते हैं। तो आज मैं लंबे लंबे ही शेप में काटूँगी, तो पूरा इंजॉय करिए व्लॉग को। तो 10-15 मिनट हो चुके हैं और मैंने तेल गैस भी ऑन कर दिया है, तेल डाल करके कढ़ाई में। और अब बस मैं इसका छोटा छोटा लोई बना करके और चाकू से काटती जाऊंगी। और बस आप देखते रहिए, बहुत इजी है, आप लोग को आता ही होगा ये बनाना। बट मैं बना रही थी तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके पहले मैंने आपको एक दूसरे स्टाइल से मठरी बनाना बताया था, जिसमें कि मैंने सूजी डाल करके रोल करके और फिर उसे कट करके बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा मेरे पहले के व्लॉग में। तो आज बस ऐसे ही मठरी बना रही हूं मैं।
यहाँ मैंने काट लिए हैं अपने खुरमों को, नमक पारों को, और अब बस मेरा तेल भी गर्म हो चुका है। चेक करने के लिए आप थोड़ा सा डाल करके चेक कर सकते हैं, बट मैंने देख लिया था कि मेरा तेल गर्म हो गया है ऑयल। तो अब बस अब मैं इसमें एक एक इसलिए डाल रही हूँ जिससे चिपके ना, तो आप चाहें तो आप ऐसे भी डाल दीजिए एक साथ, बट मुझे लग रहा था चिपक ना जाए इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। और अब बस मुझे इसे गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करना है, और जो आपको कलर डार्क या लाइट जैसा चाहिए वैसे फ्राई करके कर लीजिए बस। और तैयार है हमारे गर्मा गर्म नमक पारे खुरमे। आप लोग क्या बोलते हैं इसको मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। हमारी तरफ तो मटरी बोलते हैं, कुछ लोग इसको नमक पारे बोलते हैं, कुछ खुरमा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? तो अभी नेक्स्ट डे का है, मतलब कि कल का, जो आप आज देख रहे हैं 8 तारीख में, और ये 7 तारीख की रिकॉर्डिंग है। तो मतलब मैंने 3 दिन 3 अलग अलग पकवान बनाए हैं होली के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चा है मेरे पास, और मेरे पास YouTube का भी काम है, मेरी फैमिली भी है, खाना परिवार सब कुछ देखना पड़ता है। इसी के चलते मैं एक एक रेसिपी एक एक डिश बना रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मीठे खुरमे, मतलब कि कुछ लोग इसे शक्कर पारा बोलते हैं, वही। तो उसी को मैं यहाँ बनाने के लिए मैंने आटा यहाँ पे गूंथना स्टार्ट किया है। ये नमक पारे से थोड़ा सा इसमें मोइन ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये सॉफ्ट होने चाहिए, वरना फिर कड़े कड़े अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए मैं बांध करके देख रही हूँ कि लड्डू जैसा बन रहा है ना, तो मैंने थोड़ा सा मोइन ज़्यादा डाला है। और बस इसको फिर पानी की हेल्प से अच्छे से गूंथ करके इसका आटा जो है लगा करके 15-20 मिनट रख दूंगी मैं, और जब ये रेस्ट कर लेगा आटा तो बस फिर ये देखिए लोई मेरी बढ़िया बन गई है। अब मैं इसको अच्छे से बेल करके, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा ही बना रही हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, और प्लीज़ आप लोग इस बात पर गुस्सा मत होइएगा कि मैंने 3 दिन की अलग अलग रिकॉर्डिंग इसमें ऐड कर रखी है, क्योंकि मुझे लगा एक साथ मैं दिखाऊँगी आपको तो मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा, 3-3 आपको रेसिपी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने काटना स्टार्ट कर दिया है लोई को। आप बड़ा भी बेल सकते हैं, बट मैंने छोटी छोटी लोई बेली और फटाफट से मेरा बन गया, ज़्यादा मैं नहीं बना रही हूँ, आपने देख ही लिया है। तो बस ये देखिए थोड़ा सा मैंने आटा अपना लिया है और लोई बना करके शेप मैं चौकोर बनाऊँगी इसको, स्क्वायर शेप में, और इसको बहुत डार्क ब्राउन नहीं फ्राई करूँगी, हल्का सा पिंकिश हो जाएगा तब मैं निकाल करके रख लूँगी, और फिर उसके बाद चाशनी बनाऊँगी। तो चाशनी कैसे होगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना सेकेंड राउंड भी निकाल लिया है, और बस एक लोई और बची हुई है। और ये देखिए मेरा साबूदाने का पापड़ भी साइड में रखा होगा, आपको दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसको भी धूप से, अब ये सूख गया है, तो अब मैं अब आपको दिखाऊंगी लास्ट कभी किसी व्लॉग में फ्राई करके कि ये कैसा बनता है। तो बहुत जल्दी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया फ्राई होकर के भी ये बन जाता है, तो आप लोग भी ज़रूर एक बार इसको ट्राई करिएगा। तो चलिए अब मेरे जो ये है शक्कर पारे हैं, ये देखिए मैंने सब बना लिया है, इतने पूरे टोटल हैं, ज़्यादा नहीं बनाया। तो अब इसकी मैं चाशनी बनाने जा रही हूँ। इतने शक्कर पारे के लिए मैंने इतनी चीनी ली है, तो ये एक कटोरी से थोड़ी कम चीनी है जिसको मैंने कढ़ाई में डाला है, और पानी मैंने जितनी चीनी ली है उसका आधा डाला है। ये देखिए अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी, जब ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, फेना हो जाएगा, बबल्स हो जाएगा, तो मैं टच करके एक बार देखूँगी क्या ये पक गई है चीनी, जब मुझे लगेगा, अंदाजे से ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मैं, मम्मी से मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था, मेरी मम्मी बनाती रहती हैं,
इसीलिए तो ये मैंने हमेशा देखा है मेरे यहाँ ना हर फेस्टिवल में ये सारी चीज़ें ऐसे बनती ही हैं। अब बस मुझे गुजिया और बनानी है, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि गुजिया, देखिए मैं अभी देख रही हूँ कि पका कि नहीं, तो अभी थोड़ा सा इसमें कसर रह गई है। हाँ, तो मैं आपको बोल रही थी मुझे अभी गुजिया और बनानी है, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने गुजिया कैसे बनाई है। थोड़ी ही बनाऊंगी वो भी, मगर बनाऊंगी ज़रूर, बस पापड़ नहीं बना पा रही हूँ उसके लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखिए बन गई, अब मेरी चाशनी जो है मुझे लग रहा है कि हो गई है। तो अब मैं अपने जो मैंने शक्करपारा जो फ्राई करके रखा था ना, अब वो मैं इसमें डाल करके अच्छे से इसको चलाती जाऊंगी और डालती जाऊंगी, तो बढ़िया बन जाएगा। इसके पहले मैंने एक दिन जन्माष्टमी में भी बनाया था, अभी जो जन्माष्टमी निकली है उसमें भी बनाया था, तो वो भी अच्छा बन गया था। और इस बार भी अभी मैंने इसको ट्राई करके देखा, चखा, तो बहुत अच्छा बना है। तो करारा भी है, सॉफ्ट भी है और बहुत टेस्टी है, तो अच्छा लगा मुझे। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए बातें करते करते आपसे मेरे शक्कर पारे, नमक पारे और साबूदाने के पापड़ तीनों ही बन गए हैं। मैंने आपको इस व्लॉग में तीन रेसिपी दिखाई है अपनी होली के जो पकवान मैंने बनाए हैं वो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।